नमस्कार, न्यूज एट फाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। सबसे पहले नजर आज की एक सबसे बड़ी खबर पर। खबर यह है कि अब आपको अंगूठे के निशान से ही सिम कार्ड मिल जाएगा। जी हां, टेलीकॉम विभाग ने आधार बेस्ड सिम कार्ड के लिए नियम जारी कर दिए हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आपको सिम कार्ड के लिए कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। मोबाइल स्टोर पर आपको अपने अंगूठे का निशान देना होगा, जिसे दस्तखत के तौर पर लिया जाएगा और आधार कार्ड से जांचा जाएगा। आधार के सर्वर से ग्राहक का वेरिफिकेशन होगा और हाथों हाथ मोबाइल कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। तो ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर। इस पूरी प्रक्रिया में 30 सेकंड का समय लगेगा। पुरानी सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आधार बेस्ड सिम कार्ड जारी करने के बाद पुरानी प्रक्रिया फिलहाल बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पुरानी प्रक्रिया फिलहाल चलती रहेगी। आपको बता दें कि अब तक 105 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि आधार बेस्ड सिम कार्ड सिस्टम लागू होने के बाद कंपनियां प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड नहीं बेच सकेंगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अब आपको सिर्फ अंगूठे के निशान से सिम कार्ड मिल जाएगा। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ग्राहकों के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या जो ये लागू किया जाएगा शुरुआत में, ये सिर्फ जो रजिस्टर्ड सेंटर होंगे कंपनियों के, टेलीकॉम कंपनियों के, वहीं पर लागू होगा या फिर छोटी दुकानों में, फिर जहां जहां सिम बेचे जाएंगे वहां पर भी ये लागू होगा? मिथुन जी, देखिए, फिलहाल अगर आप सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आपको 2 से 3 दिन का वक्त जो है वो लगता है। आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जाते हैं, आपसे फोटो मांगा जाता है और उसके बाद आपको सिम कार्ड एक्टिवेशन के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाता है। आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सिम एक्टिवेटेड होता है। लेकिन अब नई प्रक्रिया काफ़ी आसान है। आप जाइए दुकान पर और आपको अपना अंगूठे का निशान जो है वो सिर्फ देना होगा। आपका ऑटोमेटिकली आपका आधार सर्वर से वेरिफिकेशन जो है कर लिया जाएगा, बशर्ते कि आपका आधार कार्ड बना हुआ हो। हालांकि 105 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि क्या सिर्फ दुकान के ऊपर मिलेगा या किसी भी जगह पर ये होगा, तो ये कंपनियों ने अपने मशीन्स लगाने की शुरुआत जो है वो कर दी है। अभी फिलहाल उन्होंने अपने स्टोर्स पर जो है लगाए हैं, लेकिन बाद में अपने वेंडर्स के पास या पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो भी होता है उसके पास भी जो है वो सेल जो होता है उसके पास भी उनको लगाने की अनुमति जो है इसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर दी गई है। तो आसानी से आप अपने पड़ोस के किसी भी वेंडर के पास जाकर के वहाँ पर आसानी से इसको वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेस जो है बड़ी पूरी तरह से फुल प्रूफ है। आप जाइए। जी, चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात असीम आपने कही है, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। टेलीकॉम कंपनियों के बीच झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को नई चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कंपनी ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रिलायंस जियो ने इन तीनों कंपनियों पर जियो सर्विस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाया है। रिलायंस जियो ने चिट्ठी में ट्राई से कहा है कि वो लाइसेंस शर्तों के मुताबिक कार्रवाई करे। पिछले हफ्ते टेलीकॉम कंपनियों ने टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और पीएमओ से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। असीम, ये अगर हम देखें तो टेलीकॉम कंपनियों को जो लेकर यहाँ पर जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्या इसमें और अपडेट होने वाला है अगले दिनों में, क्योंकि मामला यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जो रिलायंस और जीएसएम लॉबी के बीच में एक झगड़ा तो बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। पिछले हफ्ते जो जीएसएम कंपनियां, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि रिलायंस जो है वो सॉफ्ट लॉन्च की बदले जो पूरा उसने जो है लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी इसका सॉफ्ट लॉन्च का नाम दे रहा है, हम उसको पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है वो उसको नहीं देंगे। तो आज रिलायंस जो ने एक नई चिट्ठी जो है टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरए को लिखकर कहा है कि कंपनियों ने साफ साफ मना कर दिया कि वो POIs जो है वो नहीं देने जा रही हैं, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो लीजिए। एक चिट्ठी की एक कॉपी जो है वो दूरसंचार सचिव को भी भेजी गई है, कहा है कि रिलायंस जो काफ़ी लंबे समय से पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन कंपनियाँ किसी न किसी वजह से उसको पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है वो नहीं दे रही है, जिससे उसका नेटवर्क जो है वो ब्लॉक हो रहा है, उसकी कॉल्स जो है वो चौक हो रही है, 65% कॉल्स है उसकी ड्रॉप हो जाती है। तो आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और तुरंत एक्शन जो है वो आप लीजिए, ये उन्होंने एक लेटर जो है वो ट्राई को लिखा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका इन दोनों खबरों पर अपडेट देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। महंगाई एक बार फिर मुंह उठाने लगी है। जुलाई में थोक महंगाई दर 23 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है।
जुलाई में थोक महंगाई जून के 1.62% के मुकाबले 3.55% के स्तर पर पहुंच गई है। यानी रिटेल के बाद थोक महंगाई में भी जोरदार उछाल आया है, जबकि पिछले साल जून में ये -4% थी। वहीं खाद्य महंगाई दर भी डबल डिजिट में 12% के करीब पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने की अहम वजह सब्जियों, दाल और चीनी के दामों में इजाफा होना बताया जा रहा है। इस दौरान सब्जियां 28%, दालें 36% और चीनी में 32% का इजाफा हुआ है। इससे पहले जुलाई में रिटेल महंगाई भी 23 महीने की ऊंचाई पर 6% के पार पहुंच गई थी। तो महंगाई को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल के सूखे के बाद इस बार मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है, और ऐसे में जानकार ये मानते हैं कि आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जुलाई में खाद्य महंगाई दर किस तरह से बढ़ी है, और ये 11.82% के स्तर पर पहुंच चुकी है। फूड इन्फ्लेशन में जोरदार उछाल आया है, और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि खाद्य महंगाई दर में किस तरह से इजाफा यहाँ पर हुआ है। 23 महीने की ऊंचाई पर है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर महंगाई में किस तरह से देखने को मिल रहा है अलग अलग सेक्टर का, और क्या क्या महंगा हुआ है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सब्जियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई हैं, करीब 28% तक सब्जियों के दाम बढ़े हैं। दालों में करीब 32% का उछाल आया है, और ये इसलिए भी हैरत की बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई में दालों की भूमिका कम नहीं हो रही है। 32% का उछाल दालों की महंगाई में दिखा है। चीनी के दाम 32% बढ़े हैं, और आपको इसमें एक अपडेट और दे दें कि हाल ही में खाद्य मंत्रालय ने जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, वो सिफारिश की गई है खाद्य मंत्रालय की तरफ से कि चीनी के वायदा कारोबार को रोका जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका है। आलू के दाम करीब 60% तक बढ़ चुके हैं, तो महंगाई के मोर्चे पर लगातार चिंता बनी हुई है। जो सरकार ने टारगेट फिक्स किया था, जो RBI ने टारगेट फिक्स किया था, उस टारगेट से कहीं ना कहीं अभी भी महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन महंगाई की बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर सैलरीड क्लास के लिए खुशखबरी है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सस्ती होम लोन स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जीबी इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक EPFO सब्सक्राइबर्स को मार्केट रेट से 1-1.25% सस्ती ब्याज पर होम लोन मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण खबर है, खासकर के जो लोग घर खरीदना चाहते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अपने घर के सपने को पूरा करना आसान होने वाला है। रिटायरमेंट फंड संस्था EPFO जल्द ही अपने 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए स्कीम लॉन्च करने वाला है। इसके तहत EPFO सब्सक्राइबर्स को मार्केट रेट से 1-1.25% तक कम ब्याज पर होम लोन मिल सकेगा। EPFO अपने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए इन ऑपरेटिव अकाउंट में पड़े पैसे का इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए EPFO की SBI सहित 2 सरकारी बैंकों से बातचीत चल रही है। जो सब्सक्राइबर्स होम लोन लेना चाहेंगे उन्हें अपना प्रोविडेंट फंड यानी PF गिरवी रखना होगा। ग्राहक किसी भी सामान्य होम लोन के तहत EMI के जरिए लोन का भुगतान कर सकेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक किसे लोन मिलेगा और किसे नहीं, ये EPFO तय करेगा, और बैंक को सब्सक्राइबर्स के लोन की गारंटी भी EPFO ही देगा। लोन एलिजिबिलिटी से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में चर्चा होगी। देखिए, जो भी इन्वेस्टर कहें या स्मॉल डिपॉजिटर कहें, जो भी उनके लिए चीज अच्छी है, आम ऑन बोर्ड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। दरअसल EPFO ने हाल ही में इन ऑपरेटिव अकाउंट में जमा पैसे पर फिर से ब्याज देने का फैसला किया है। ऐसे में उस पर नए और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट टूल्स तलाशने का दबाव है। इस समय EPFO के करीब 9.25 करोड़ इन ऑपरेटिव अकाउंट में करीब 40,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। फिलहाल EPFO इस रकम को डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है, जहां काफी कम रिटर्न मिलता है। माना जा रहा है कि इस पैसे को होम लोन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस पर ज्यादा ब्याज मिलने के साथ ही देश में घर की किल्लत भी दूर होगी। सूत्रों के मुताबिक मेंबर अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीद सकेंगे। ऐसा होता है कि हर प्रोविडेंट फंड में अपने मेंबर्स को ऋण देने का वैसे भी प्रावधान होता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बैंकिंग की जरूरत होगी। ये तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उन्होंने डिसाइड करना है। सूत्रों के मुताबिक EPFO की अगले महीने होने वाली
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर सहमति बनाने में दिक्कत नहीं होगी और कंसल्टेशन के बाद सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो ईपीएफओ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बेंगलुरु के एक कॉलेज में देश के खिलाफ नारेबाजी का विरोध बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी ने घटना की तुलना जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी से करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। कर्नाटका इज नॉट एंड विल नॉट गिव एनी स्पेस टू एनीबॉडी टू इंडल्ज इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, सो बीजेपी विल फाइट टू सी दैट कल्प्रिट्स आर अरेस्टेड। आई हैव रिटन अ लेटर टू श्री राजनाथ सिंह जी। दे हैव फाइल्ड, यू नो, दे हैव टेकन द केस, रजिस्टर्ड एन एफआईआर। They are investigating what exactly has happened. They'll also look into those video CCTV clippings and things like that. 13 अगस्त को बेंगलुरु के यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार में एक पूर्व पत्रकार ने सेना की तारीफ की तो कश्मीर के कुछ छात्र विरोध करने लगे। सेमिनार के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कश्मीर की आजादी के समर्थन में नारे लगाए गए। आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताया गया। देश विरोधी नारेबाजी की घटना के बाद सोमवार को पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया। और गुजरात के ऊना में फिर दलितों की पिटाई की गई है। 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 अगस्त के दिन प्रदर्शन के बाद घर लौट रहे करीब 20 दलितों पर समतर गांव के पास भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए। समतर गांव मोटा समधिया से ज्यादा दूर नहीं है, जहां पिछले महीने गोरक्षकों ने दलित युवकों की बुरी तरह पिटाई की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने देर रात हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। पहले स्टोन पत्थर मारा किया, तब जरूरी प्रेशर और बढ़वा पड़ना पड़ा और उसमें 46 सेल छोड़ने पड़े, 6 राउंड फायर करना पड़े और लाठी चार्ज भी करना। शांति प्रिय लोगों के खिलाफ के विरुद्ध हमला करते हैं और पुलिस उसमें मूक दर्शक रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। मुख्यमंत्री बदलने से क्या होता है, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। गुजरात की मौजूदा सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों के और मुस्लिम्स के प्रश्नों पर बहुत ही संवेदनहीन है। गुजरात के ऊना में 11 जुलाई को गोहत्या के आरोप में 4 दलितों की पिटाई की गई थी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद दलितों ने पूरे गुजरात में प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि दलितों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ही आनंदीबेन पटेल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा।